हे गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 15,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और आप लोग भी 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस कर लेते हो जिसके अंदर पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस, टॉप नॉच लेवल का कैमरा, बढ़िया डिस्प्ले के साथ बिग रैम, बिग स्टोरेज मिले, तो मेरा ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं जितना भी स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा वो सारा स्मार्टफोन 15,000 के अंदर एक यूजर्स को जो भी रिकमेंड होता है उसको इजीली फुलफिल कर देगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है लाभाब्लेच X5G। 15,000 के अंदर कार्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली लाभाब्लेच X5G की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 800 nitpick brightness इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 420,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल गया था। 13.5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4 एक्सट्रीम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी सेंसर के साथ। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33 आवर फास्ट चार्जिंग। तो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस को बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट 15,000 के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को 15,000 के अंदर एक अच्छा वीवो का स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग वीवो T3X की तरफ जा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1000 nitpick brightness दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,60,000 का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल जाता है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइम मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। और 6000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44 आवर फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। OS 14 पे बेस्ट है। IP64 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग दिया गया है। डुअल स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस को बात की तो 4GB रैम 128GB वेरिएंट 13,499 रुपीज में देखने को मिलेगा। और 6GB रैम 128GB वेरिएंट 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है नाथिंग की तरफ से CMA फोन 1। 15,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000 nitpick brightness HDR 10% सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7300 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 6.5 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल जाता है। LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। और 10 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। नथिंग OS पे बेस्ड है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और आप लोग चाहे तो स्मार्टफोन का पीछे का केस चेंज कर सकते हो। और प्राइस को बात की जो 6GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगा 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Realme P1 5G। 15,000 के अंदर टॉप नॉच लेवल का डिस्प्ले और पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000 nitpick brightness HDR का सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन में डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल जाता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में टॉप नॉइज लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा।
और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर दिया गया है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 8K पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाता है। 5000 एमएएच की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 45 वाट फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ट है। स्मार्टफोन में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जो 6GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 16,000 रुपीज में देखने को मिलेगा, डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है Samsung Galaxy M35। Samsung की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेने जाते हो तो आप लोग डेफिनेटली Samsung Galaxy M35 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो की सपोर्ट करता है 120Hz को। 1000 nitpick brightness Gorilla Glass Victus Plus का प्रोटेक्शन मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की तो Samsung की तरफ से Exynos 1380 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के करीब एंड्रॉइड स्कोर निकल करता है। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में वॉयस का सपोर्ट दिया गया है। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 6000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करता है 25 वाट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, One UI 6.1 पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में 4 साल का OS अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम डिस्काउंट लगा के 16000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Realme Narzo 70 Pro। 20000 के अंदर Realme की तरफ से प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाला टॉप नॉइज लेवल का कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस मिले तो आप लोग डेफिनेटली Realme Narzo 70 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 2000 nitpick brightness HDR10 प्लस सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की तो MediaTek की तरफ से Ryzen सीरीज 7050 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 6 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल कर आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो स्मार्टफोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, सोनी IMX 890 सेंसर और OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। 5000 एमएएच की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ड है। 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन के पीछे ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की बात की है तो 8GB रैम 128GB के टाइम पे डिस्काउंट लगा के 16000 के अंदर मिल जाएगा।